सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज इस खबर में हम आपको साल 2021 में घटी उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बन गई सुर्खियां। तो आइए टॉप 10 उन घटनाओं पर बात करते हैं जिन्होंने देश को या तो दुख दिया, तकलीफ दी, या वो यादगार बन गई खुशियों के रूप में। तो क्या है घटनाएं, नजर डालते हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच 21 अक्टूबर 2021 भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था। कोविड-19 की भीषण दूसरी लहर से जूझने के बाद भारत ने 100 करोड़ के वैक्सीन मार्क को पूरा कर लिया। दुनिया में भारत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश बन गया। 2021 के आखिरी दिनों में देश की सबसे प्रमुख घटनाओं में शामिल रही किसान आंदोलन की वापसी। बीते 380 दिन के ज्यादा किसानों ने कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं को घेर कर रखा था। दुनिया भर में ये खबर सुर्खियां बनी, लेकिन साल के अंत में आंदोलन की वापसी हुई और 11 दिसंबर को किसानों ने घर लौटना शुरू कर दिया। इस दिन किसान विजय दिवस के रूप में मना रहे थे। 2021 को उत्तराखंड के इतिहास में सीएम बदलने के लिए भी जरूर याद किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर भी नहीं पाई थी कि दूसरे चेहरे के रूप में भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 4 महीने के अंदर ही भाजपा ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए तीरथ सिंह रावत को हटाकर युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दे दी। इस तरह से भाजपा ने 1 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जो शायद ही कोई राज्य या कोई पार्टी इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में तो ये अमर हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान साल 2020 से धरने पर बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में किसानों का गुस्सा फूटा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान जब लाल किले की ओर बढ़े तो जमकर लाठीचार्ज हुआ। ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस हिंसा में तब्दील हो गया और देश में एक काले दिन के रूप में इस घटना को माना गया। कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने देश को शर्मसार कर दिया और किसान आंदोलन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारत के सीमित ओवरों के कप्तानी के रूप में विराट कोहली के युग का अंत T20 विश्व कप के साथ हो गया। विराट के एक दिवसीय मैचों की कप्तानी को लेकर भी झटका लगा जब उनकी कप्तानी को रोहित शर्मा के हाथों दे दिया गया। BCCI चैंपियन ने रोहित शर्मा को T20 और एक दिवसीय मैचों में नए कप्तान के रूप में नामित कर दिया। इस साल की टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए खुशियों की खबर आई। जुलाई अगस्त में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल हासिल किया। भारत के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था, लिहाजा ये भी बड़ी घटना बनी। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद भारत की एक और बेटी को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला। 21 सालों बाद पंजाब की कुड़ी हरनाज कौर संधु ने देश को यह खुशी दी। वह देश की 3री महिला है जिनको यह खिताब मिला है। इस साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर एक थार गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए। इस कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम सामने आया और भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। तमाम विपक्षी नेताओं और मीडिया में ये खबरें चलती रहीं कि कब मोदी सरकार गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाएगी, क्योंकि किसानों का एक बड़ा धड़ा उन पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर एक बदले की कार्रवाई में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद उन गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर दिया गया और आज भी ये खबर सुर्खियों में है। साल 2021 में सिनेमा जगत में भी काफी हलचल देखने को मिली। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म निर्माण मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने जेल में रहने के बाद कुंद्रा को कोर्ट से जमानत मिली। शाहरुख खान के बेटे को क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान NCB ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से काफी बवाल मचा और सुर्खियां बन गई। इस दौरान कई बड़ी हस्तियों ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। साल के आखिरी महीने की शुरुआत में भारत के लिए दुख की घड़ी तब आई जब वायुसेना का MI-17 विमान क्रैश हो गया। यह हादसा हुआ और सेना के कई बड़े अधिकारी
CDS जनरल बिपिन रावत और अपनी पत्नी के साथ इस हादसे में शहीद हो गए। कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें सेना के कई बड़े अधिकारी थे, लेकिन इनमें से किसी की जान नहीं बच सकी। देश इस गमगीन हादसे से दुखी हो गया। साल ने जाते जाते इस घटना से देश को काफी गमगीन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।